नहीं भी चाहते थे यहाँ पर, उन्हें भी भनक लग गई है। कल तक जिन्हें अंदाजा भी नहीं था वो आज इनके बारे में बात कर रहे हैं। बिग बॉस जैसे घर में रहकर न जाने कितने कैमरों के बीच में रहकर नेशनल टेलीविजन पर अगर निजी जिंदगी की बातों को इस तरह से बोलेंगे, निजी जिंदगी का तमाशा बनाएंगे तो ये बवाल तो मचेगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मेघा। बिग बॉस सीजन 13 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। 3 महीने इस सीजन को बीत चुके हैं और अगर इन 3 महीनों को एक बार फिर से याद किया जाए तो आप भी जान पाएंगे सबसे ज्यादा निजी जिंदगी की बातों को लेकर आए हैं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई। बिग बॉस के इतिहास की सबसे खराब लड़ाइयों का जब जब जिक्र होगा, सिद्धार्थ और रश्मि का नाम उनमें जरूर लिया जाएगा। जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई पर ऐसी लड़की कमेंट किया, रश्मि देसाई ने पलट कर सिद्धार्थ शुक्ला पर चाय फेंकी, मैं तुझे अब घर नहीं बुलाता वगैरह वगैरह, ये जो कुछ भी सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा है ये शो के बाद भी चर्चा में रहेगा। बिग बॉस भले ही खत्म हो जाए लेकिन ये फाइट बिग बॉस के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। यहाँ रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई पर, इनके झगड़े पर, कौन सही कौन गलत इस मुद्दे पर टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे हैं जो अपनी राय सामने रख चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे हैं जो अपना ओपिनियन बता चुके हैं और इसी फहरिस्त में आगे आए हैं अर्जुन बिजलानी। नागिन सीजन 1, नागिन सीजन 2, इश्क में मर जावा जैसे शानदार टीवी सीरियल्स के जरिए एक मुकाम हासिल करने वाले टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में अर्जुन बिजलानी बिग बॉस के डाई हार्ड फैन हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, वो बिग बॉस के सीजन्स को काफी अच्छे से फॉलो करते हैं। रश्मि देसाई और सिद्धार्थ के साथ उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है और जब अर्जुन से इंटरव्यू में किया गया सवाल कौन सही कौन गलत पर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस के घर में इन दोनों की रियल पर्सनैलिटी जिस तरह से निकल कर सामने आ रही है उससे मालूम पड़ता है कि दिल से दिल तक के बाद इनके बीच की इक्वेशन हो गई है काफी ज्यादा खराब। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल से दिल तक में पार्थ और शौर्वरी बनकर रश्मि और सिद्धार्थ ने सबका दिल जीता है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ बिग बॉस के घर में आए, शुरुआत से ही ऐसा मालूम पड़ रहा है कि दोनों एक दूसरे को एक आंख भी नहीं देख सकते। यकीनन बिग बॉस सीजन 13 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है रश्मि और सिद्धार्थ का झगड़ा। वो झगड़ा जिसमें सिद्धार्थ ने अरहान की शर्ट फाड़ दी, वो झगड़ा जिसमें रश्मि ने सिद्धार्थ पर चाय फेंकी, वो झगड़ा जिसमें सिद्धार्थ ने रश्मि पर पलट कर चाय फेंकी, वो झगड़ा जिसमें सिद्धार्थ ने रश्मि देसाई और अपने गोवा वाले रिलेशनशिप की बातें सबके सामने रखी। रश्मि और सिद्धार्थ के एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स करने के सिलसिले को लेकर टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे अपनी अपनी राय सामने रख चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे इस मुद्दे पर अपनी बात कह चुके हैं और अब बयान सामने आ गया है अर्जुन बिजलानी का। जी हाँ, अर्जुन जो टीवी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है, टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, तो ऐसे में इस कंट्रोवर्सी पर अर्जुन की राय वैसे भी काफी ज्यादा मायने रखती है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ अर्जुन बिजलानी का, जहां पर उनसे सवाल किया गया कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच हुई जमकर लड़ाई, इस लड़ाई पर आप क्या कहेंगे, ये लड़ाई किस हद तक जायज रही, ये लड़ाई कितनी ज्यादा सही रही, क्या इस लड़ाई से आप सहमत हैं। इस पर अर्जुन ने कहा, सिद्धार्थ शुक्ला को कोई हक नहीं है कि रश्मि देसाई के कैरेक्टर पर सवाल उठाए। अर्जुन कहते हैं, किसी भी लड़की को शुक्ला का ऐसी लड़की वाला कमेंट पसंद नहीं आएगा। मुझको लगता है कि अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है तो वो अपने कैरेक्टर पर पहले सवाल उठाता है। सिद्धार्थ शुक्ला को ये हक किसी ने नहीं दिया कि वो रश्मि देसाई के बारे में इस तरह से बातें करें। रश्मि देसाई के रिएक्शन के बारे में बात करते हुए अर्जुन बिजलानी ने कहा, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, आपको किसी की बेइज्जती करने के लिए टीवी पर ये सब नहीं बोलना चाहिए। रश्मि देसाई का गुस्सा उनकी जगह पर बिल्कुल जायज है। इस घटना के दौरान किसी भी लड़की का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होता। अर्जुन बिजलानी के बयान से ये बात साफ साबित हो जाती है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से काफी ज्यादा खिलाफ है। हालांकि आपको बता दें, रश्मि और सिद्धार्थ के झगड़े पर टीवी इंडस्ट्री दो गुटों में बटी हुई नजर आई, जहां एक तरफ गौहर खान ने रश्मि देसाई के खिलाफ बात की
जहां एक तरफ कामिया पंजाबी ने सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट किया, तो इंडस्ट्री दो हिस्सों में बटी हुई यहां पर दिखाई पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात इन सबके बीच ये थी कि रश्मि और सिद्धार्थ के झगड़े से इनके रिश्ते पर कई तरह के सवाल उठे। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला दिल से दिल तक जैसे मोस्ट पॉपुलर शो में अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखा चुके हैं। रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों टीवी इंडस्ट्री के जाने पहचाने नाम हैं। रश्मि देसाई तो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी हैं और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही हुई इतना बड़ा नाम रही रश्मि देसाई जब इस तरह की बात कहती हैं, जब अपने रिलेशन को लेकर इस तरह की बातें सुनती हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के करियर पर बुरा असर पड़ा है और शायद इसीलिए पूरी इंडस्ट्री फिलहाल इनके बारे में बातें कर रही है। खुद सलमान खान भी रश्मि और सिद्धार्थ को ये बात समझा रहे थे कि आप जो कुछ भी करेंगे इसका असर घर के बाहर आपकी लाइफ पर जरूर पड़ेगा। भले ही इस बात को तब इन दोनों ने सीरियसली ना लिया हो, लेकिन अब जब बिग बॉस के घर से ये बाहर आएंगे तब जरूर सीरियसली लेंगे।